संतोष मलिक आखिर वो आदमी गया कहाँ जो हमें अश्लील वीडियोस बनाने वालों के खिलाफ सारे सबूत पेन ड्राइव में देने वाला था, उसे जमीन खा गई, आसमान निकल गया। इतना बड़ा केस सॉल्व कैसे होगा? सर सर वो आदमी ऑलमोस्ट हमारे हाथ आने ही वाला था, लेकिन एनीवेज देखिए सर, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि बहुत जल्द वो आदमी हमें मिल जाएगा। एक बार बस वो मिल जाए ना कि हम इस केस को यूं क्लोज कर देंगे। अरे श्योर, वो आदमी अभी तक सही सलामत होगा? हाँ हाँ सर, आई एम 100% श्योर। सर इनफैक्ट कल उस आदमी ने हमें फोन किया था, वो हमें कोई बहुत जरूरी क्लू देने वाला था, लेकिन हमारी उससे बात हो पाती उससे पहले ही फोन डिस्कनेक्ट हो गया। हसीना मलिक सर, देखिए हम जानते हैं आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो आदमी हमें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और किसी वजह से नहीं कर पा रहा है। एक बार हमारी उससे बात हो जाए ना कि हम इस पूरे मामले का पर्दाफाश कर देंगे, आपसे ज्यादा जल्दी हमें है सर। मिस मलिक, दुनिया की नजर में ये केस बंद हो चुका है, ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। आपके कहने पे अनऑफिशियली मैंने इस केस को चालू रखने की अनुमति दी। जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करो, इसकी फाइल को बंद करो। अगर कुछ भी 19-20 हुआ ना तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। जानती हूँ, एक बार मीडिया ने इसे सूंघ लिया तो हमारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा, समझ रही हो आप? जी सर। सर एक और चीज है, आप जानते हैं कि करिश्मा सिंह जो है इस्तीफा दे चुके हैं, इसलिए इस केस के बारे में हमने उन्हें कुछ भी नहीं बताया, इसलिए प्लीज अगर हो सके तो। हम सब जानते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद। जय हिंद। बहुत बढ़िया मैडम सर, अभी तक हम थाना छोड़ के भी नहीं गए और आपने हमें अभी से आउटसाइडर बना दिया। हाँ हम मानते हैं कि हम थाना छोड़कर जा रहे हैं, पर अभी तक ये वर्दी हमारे शरीर पर है और जब तक ये है तब तक हम हैं, और जब तक हम हैं तब तक कोई भी केस सिर्फ आपका कैसे हो सकता है? एक बार हमसे पूछ लिया होता मैडम सर। पूछ लिया होता? करिश्मा सिंह, इस केस का जिक्र हमने आपसे किया था, हमने आपसे कहा था कि आप बहुत गलत वक्त पर हमें छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन उस वक्त तो आप कुछ और मूड में ही थी, आपने सीधा इस्तीफा हमारे हाथ में थमा दिया। अब इसके आगे हम और क्या कहते? माफ कीजिएगा मैडम सर, उस वक्त हम अपनी उलझनों में इतना उलझे हुए थे कि ना कुछ सुनाई दे रहा था ना कुछ सुझाई, पर अब हमें सब दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है और हम सब समझ भी रहे हैं। हम आपके साथ इस केस में काम करना चाहते हैं मैडम सर। हम ये अफसोस का बोझ लेकर नहीं जा सकते हैं थाने से कि आपको हमारा जरूरत था और हम आपके काम नहीं आ पाए। जाने से पहले एक बार मैडम सर, इस वर्दी के लिए और थाने के लिए हम आपके साथ इस केस में काम करना चाहेंगे, हमें एक लास्ट मौका दे दीजिए। क्या हुआ संतोष, अभी आई और चल दी? एक्चुअली वो चीता जिम रूम में कुछ काम कर रहा था तो मैंने सोचा यहाँ आके थोड़ा रेस्ट कर लूँ, बट कोई बात नहीं, आप यहाँ पर है तो मैं कहीं और चली जाती हूँ। अरे कहीं और क्यों, मेरा बस हो गया, मैं जा ही रही थी, मुझे कुछ काम है। श्योर? वेरी श्योर, कैरी ऑन। ये बार बार किससे फोन पर बात कर रही थी? शांत हो जे, शांत हो। आप यहाँ पे, हमारा दिल नहीं लग रहा था उधर। संतोष जी, सिंह क्या कर रही है, कैसी हैं आप? चीते कुछ तो गड़बड़ है चीते। गड़बड़ है? आज तो हम नहा के आए हैं, फिर क्या गड़बड़ है संतोष जी? चीते, ये जो बारबी मैडम है ना, उनके साथ कुछ तो गड़बड़ है। है ना संतोष जी, गड़बड़ संतोष जी, हम बोले थे ना पहले ही, मगर क्या गड़बड़ है संतोष जी हमको? चीते एक तो जब मैं रूम में आई ना तो वो ऑलरेडी यहाँ पर थी और किसी से फोन पे बात कर रही थी कि हम बहुत जल्दी अपने मकसद में कामयाब होने वाले हैं, फिर बाढ़ में जाए ये लोग। जैसे ही उनको पता चला कि पीछे मैं खड़ी हूँ तो भौंकला गई और फोन कट कर दिया उन्होंने। पता लगाना होगा चीते एग्जैक्टली चल क्या रहा है। संतोष जी पता तो लगाना ही पड़ेगा कि क्या चल रहा है, लेकिन वही सवाल है ना कि कैसे पता लगाएंगे हम लोग। नहीं चीते, आजकल ना लोगों की जन्म कुंडलियां उनके फोन पर होती है, किसी तरह अगर उनका फोन थोड़ी देर के लिए हमें मिल जाए ना तो पता लगाया जा सकता है कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। लेकिन ये बारहवीं मैडम जो है ना, ये बहुत स्मार्ट है, उनका फोन लेना ना थोड़ा डिफिकल्ट है। संतोष जी कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। एक आदमी है संतोष जी, एक आदमी है जिसके लिए ये काम ना इसे
बाएं हाथ का खेल है, मतलब चोरी चकारी गुंडागर्दी मारपीट धूल चाटना कूड़े में पड़े रहना नाले में सो के खाना खाना, ये सब उसका खानदानी शौक है, बचपन से करता आ रहा है ये सब। यानी उसी के आने का खबर देने आए थे लेकिन हम फिर भूल गए। कौन? पलट के देखिए। कहाँ थी आप? संतोष जी, मुझे दिल का दौरा पड़ा था, मतलब मैं प्यार में पड़ा था, फिर एक बार उसके घर के इर्द गिर्द मैं ऐसे चक्कर काटता रहा, फिर हमारी नजरों से नजरें मिली। कैसे 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 कैसे? ऐसी। हाँ, फिर उसने मुझे सिग्नल दिया, मैंने उसको सिग्नल दिया, फिर हमारी डेट फिक्स हो गई, फिर हम रेस्टोरेंट खाना खाने गए, फिर वहाँ से उसके घर, घर से सीधा बेडरूम, बेडरूम से सीधा बेड, और मैं सो गया। जब मेरी आँख खुली तो मैंने पाया झूमपुर की जेल। ऐसे निकला संतोष जी, वो झूमपुर की डीएसपी की सेकेंड वायर निकली। संतोष जी, फर्ज के लिए मैं वापस आ गया हूँ। बिल्लू जी, मेरी प्रॉब्लम सुनो, मेरी प्रॉब्लम ये है। संतोष जी, चीते ने मुझे सब कुछ बता दिया है, जिसके पीछे पड़ जाए उसके मुंह से निकले हाय हाय आई एम बिल्लू द स्पाय, खोल दूंगा उस बार भी उपाध्याय का पूरा अध्याय, बिल्लू द स्पाय। मैंने पूछा कौन हो तुम? आपने मुझे नहीं पहचाना? जिसका फैन सारा जमाना, जिसके पीछे पड़ जाए वो ना मांगे पानी कम चाय, आई एम बिल्लू द स्पाय। ये थाना मेरा घर है और ये लॉकअप मेरा विला। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर फॉरेन टूर के लिए गया था, वहाँ के जो जेल है उनका सुपरविजन करने गया था, तो अभी ये बिलोटा लौटा है। इट्स प्लेजेंट सरप्राइज, ये थाना और भी खूबसूरत हो गया है। बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। नहीं नहीं, इस विला पे मेरा कॉपीराइट है। नहीं निकलोगे? नहीं। निकलो यहाँ से। बिल्लू तुम आ गए, कहाँ थे तुम बिल्लू? एक्सक्यूज मी, कहाँ थे इतने दिन? माँ फॉरेन टूर पे था। माँ, आपकी याद बहुत आती रही, सबकी याद आती रही। माँ, चीते ने मुझे बताया थाने की हालत क्या होगी। माँ, मैंने सुना है कि करिश्मा मैडम यह थाना छोड़ के जा रही है, वेरी बैड। मगर अब उनकी जगह इन मैडम ने ले ली है। वेरी गुड। पुष्पा जी। जी। क्या हो रहा है सब, और कौन है ये? ये बिल्लू है, चोर है। था माँ, था पूरा पूरा इंट्रोडक्शन देना एकदम डिटेल में, बारीक 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 बारीक। हाँ ठीक है ठीक है, ये बिल्लू है, ये पहले चोर था मगर अब बदल गया है, अच्छा इंसान बन गया है, ठीक है। हाँ, यही रहता है लॉकअप में। हाँ, हमारे बिल्कुल बच्चे जैसा ही है। थाने के केसेस सुलझाने में पूरी मदद करता है थाने की, इसके बिना तो पूरा थाना अधूरा है। कहाँ थे बेटा तुम इतने दिन? कहाँ थे? हम सबने कितना याद किया तुम्हें। वो माँ हरी चटनी की वजह से सब घोटाला हो गया। हरी चटनी?
हाँ हरी चटनी, एक्सक्यूज मी, मैंने आपको बताया मैं फॉरेन टूर पे गया था, तो मौका मिला तो मैं जंगल टूर के लिए निकला। एक हाथ में जंगल का नक्शा था और एक हाथ में समोसा था। तो देश में समोसा, ठीक है समोसा था। तो नक्शा और समोसा खाते खाते हम रास्ता ढूंढ रहे थे 10 दिन तक रास्ता ढूंढते रहे, लेकिन रास्ता नहीं मिला, हम अटक गए। वो तो समझ गए, मगर इस सब में हरी चटनी कहाँ से आ गई बीच में? हरी चटनी वो नक्शे पे गिर गई ना, तो पता ही नहीं चल रहा था जंगल कहाँ तक है, चटनी कहाँ तक है, रास्ता ही नहीं मिल रहा था, उसके वजह से वापस हम अटक गए। हाँ ठीक है बिल्लू, अभी हमारे पास बहुत काम है, बाद में बातें करते, ठीक है? हाँ बाद में, अब निकलिए। एक्सक्यूज मी, अभी तो आपको आइडिया हुआ होगा कि मेरा इम्पोर्टेंस कितना है। ये थाना बिना हवा के चल सकता है, लेकिन बिना बिल्लू के कदापि नहीं। आई एम प्लेजेंट सरप्राइज एंड मुझे खुशी हो रही कि आप करिश्मा मैडम की जगह ले रही है। आई हेट करिश्मा मैडम एटीट्यूड, वो बात बात पर हर किसी की हड्डियां तोड़ती है। जब जब देखो बात बात पर भौंका, लवाल, थप्पड़, चाटे, कोई तो आ जाए जो मोहब्बत बांटे। व्हाट टाइमिंग? ले, कौन से साइड से वेलकम बैक करे तुम्हारा, लेफ्ट से या राइट से? वेलकम ही हो गया है, मेरा संतोष ने किया। अच्छा, बाद में का बात कर रहे हो? प्यार प्यार। संतोष शर्मा, बिल्लू तुम कब आए? खैर जब भी आयो, एक बहुत इम्पोर्टेंट केस है जिसमें हमें तुम्हारी मदद चाहिए, ठीक है? मैडम सर, मैं आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहता हूँ, बताइए क्या करना है? हाँ वो सब बताएंगे, पहले संतोष शर्मा से कहिए एक स्केच आर्टिस्ट बुलाए। ओके। और हाँ, अगली बार जाने से पहले बता कर जाना। वो फॉरेन टूर। देखा, हवा के बिना ये थाना चल सकता है, लेकिन बिल्लू तो स्पाई के बिना बिल्कुल नहीं। संतोष जी, हाँ मैं अपना ध्यान रखूंगी, तुम टेंशन मत लो। यहाँ पे करो ना क्लिक। हाँ। अरे का चल रहा है? का चल रहा है, टाइम पास। मैडम रुई रखे हो? रुई है ना, निकालो बाबू, लाओ जरा लाओ। निकालो भैया, ये लो, इसको दो। हाँ, ले हम लोग भी इसको क्या करें, इसको गोल करके ना फट से अपने कान में डाल लो। कहे रे, चुपचाप डाल लो बाबू, नहीं तो तुम दोनों का जो ठीहा है ना बिरयानी का और चाय का, मैडम सर से बोल के ना इसे बंद करवा देंगे और खुलवा देंगे अगरबत्ती का दुकान, फिर दिखाते रहना इसे 24 घंटा। ला लो। चलो, तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है ना? क्या बोल रहे हो? अरे जोर से बोलो यार। नहीं सुनाई दे रहा, चलिए ये लोग अब चाय का पैसा नहीं देंगे। अरे भैया, क्या चल रहा है, संतोष जी सॉरी। संतोष जी नहीं कर लेना बहुत। नहीं संतोष जी, अगर बारहवीं मैडम को पता चल गया ना कि उनका फोन उनके पास नहीं है तो बवाल हो जाएगा। हाँ। इस चक्कर में बिल्लू भी थोड़ी देर के लिए अंडरग्राउंड हो गया है, जल्दी करो ना। कर रही हूँ पुष्पा जी, बस थोड़ा टाइम दे दीजिए प्लीज। अच्छा, वो स्केच आर्टिस्ट के साथ बात हुई ना तुम्हारी? हाँ। आ रहा है ना वो? हाँ हो गई बात, आ रहा है, हो गया कनेक्ट, हो गया। नहीं, बाल जो है वो ऐसे नहीं थे, वो जो एकदम सीधे जेल करके जो प्रॉपर सेट किए हुए थे ना वैसे बाल थे। हाँ, और थोड़े लंबे भी थे, करेक्ट। मैडम सर, आपको अच्छे से सातवीं का चेहरा याद है ना? करिश्मा सिंह यही एक अदद शख्स है जिसका चेहरा हम नहीं भूल सकते। हमें इस बात का इतना ज्यादा अफसोस है कि आदमी हमारे हाथ से निकल गया,
हमें अच्छे से याद है, हम सड़क के इस पार खड़े थे, वो सड़क के उस पार खड़ा था, वो सबूतों से भरा पेन ड्राइव देने के लिए हमारी तरफ आ रहा था, लेकिन लेकिन अचानक से बीच में एक ट्रक आया और वो आदमी गायब हो गया। उसके बाद वो कहीं मिला ही नहीं, कहीं दिखा ही नहीं। और अगर ये आदमी हमारे हाथ लग जाता ना, तो वो जितनी भी औरतें हैं, जितनी भी लड़कियां हैं जिनकी इज्जत इस तरह से इंटरनेट पर बेची गई है, वो नहीं होता। ये पूरा का पूरा गैंग सलाखों के पीछे होता, और इस रैकेट से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं ना, उन सबको हम जहन्नुम में से भी ढूंढ कर निकाल लाते। मैडम सर, एनीवेज हाँ, उसका नाक और सीधा और शार्प, हाँ बिल्कुल स्ट्रेट, और उसके जो कान थे वो मैडम सर नो, अब तो इस कमल तक पहुंचना इन लोगों के लिए और भी आसान हो जाएगा। इससे पहले कि हसीना मलिक इस तक पहुंचे, मुझे किसी भी हालत में इसे पकड़ना पड़ेगा और पेन ड्राइव अपने कब्जे में करनी होगी। ये है वो आदमी, करते हैं हम अपने मुखबिरों का नेटवर्क एक्टिव और इस चूहे को इसके बिल से निकालते हैं। इसकी मैया का सासू मैया। करिश्मा सिंह जी, हमें आदमी सही सलामत चाहिए। जी मैडम सर, सही सलामत आपके पास आएगा। धन्यवाद। जय हिंद मैडम सर। प्रणाम सर, गुड इवनिंग सर। अभी नहीं, ठीक है सर, हम नहीं, कुछ नहीं, वो हम आ रहे हैं, ठीक है, हम पहुंच रहे हैं थोड़ी देर में। तुम्हारा हाँ हाँ सुन, हम तो बहुत बिजी, हमें बहुत फोन आते हैं। हेलो, इधर से बोल रहा है बिल्लू द स्पाई, उधर से कौन बोल रहा है? एक तो तुम फोन नहीं उठाते, हम फोन पे फोन करते रहते हैं तुमको, ऊपर से नंबर देखकर उठाओगे ना तो फालतू का सवाल नहीं करोगे तुम। करिश्मा मैडम तो करिश्मा मैडम बोलिए, बिल्लू द स्पाई हियर। सुनो, हम तुमको एक स्केच भेज रहे हैं, बहुत जरूरी काम है बिल्ले, फटाफट अपना खुफिया नेटवर्क एक्टिव करो तुम और पता लगाओ इस आदमी के बारे में। हमने अपना भी नेटवर्क एक्टिव कर दिया इसी आदमी के खोज में। जमीन खोद दो, आसमान खंगाल दो, हमको नहीं फर्क पड़ता है, हमको ये बंदा सही सलामत चाहिए, समझ गए? ओके, मिल जाएगा। हाँ चलो ठीक है। काम आ गया, काम आ गया, हम चले अपने काम के लिए। तुम तो ऐसे ही निठल्ले रहोगे। बाप मरा अंधेरे में बेटा पावर हाउस। सर, हम जान सकते हैं आपने अचानक से हमें गायब बुला लिया? हमने आपसे कहा था ना, वो सर्विस छोड़ने से पहले कुछ प्रोटोकॉल है जो हमको पूरे करने, उसमें एक हफ्ता है सर अभी। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है करिश्मा सिंह कि आपने क्या कहा था। एक्चुअली हमारे ऑफिस में यहाँ अचानक कुछ एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है जिसकी वजह से मुझे आपको यहाँ बुलाना पड़ा। एक्चुअली बात यह है कि हमारे यहाँ अचानक दो फीमेल एम्प्लॉयज की पोस्ट खाली हो गई है। एक प्रेग्नेंट है, हॉस्पिटल में रेस्ट कर रही है, और दूसरी को मैंने जॉब से निकाल दिया। तो
तो अब हमें यहाँ पर कोई चाहिए जो उनकी जगह पर काम कर सके, एटलीस्ट तब तक जब तक कोई और उनकी जगह पर आकर काम नहीं करता है। तो तब तक ये रहा आपका डेस्क और आपकी चेयर, आप उनकी जगह पर हमारी कंपनी में काम करेंगे। सर हम 7 दिन बाद। 7 दिन? मिसेस करिश्मा सिंह 7 दिनों में दुनिया बनाने वाले ने पूरी दुनिया बना डाली थी। 7 दिनों में मेरे डैड ने इस कंपनी को शहर की टॉप कंपनीज की लिस्ट में ला खड़ा किया था। 7 दिनों में लोगों की किस्मतें बदल जाती हैं, बड़े बड़े बिजनेस की ज्योग्राफी बदल जाती है। इसलिए मैं अवतार कपूर वक्त को कभी ग्रांटेड नहीं लेता। सर हम फिलहाल के लिए रोज सिर्फ 2 घंटे, उसके बाद जब आप चाहें तब आप ज्वाइन कर सकती हैं, उसमें मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। सो वेलकम टू आवर कंपनी मिसेस करिश्मा सिंह। ये आपका आईडी कार्ड है, ये बहुत कंपलसरी है। देखिए मैं भी पहनता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बस सिर्फ संडेज को नहीं पहनता। ये आपकी रोज अटेंडेंस काउंट करेगा और उन लोगों की लिस्ट आपकी सिस्टम पर ऑलरेडी है जिन्हें आपको कॉल्स करने हैं। सो गुड लक गाइस, मीट अ न्यू एम्प्लॉय मिसेज करिश्मा सिंह। उषा गुड लक एवरीवन। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, स्वीकार कीजिए और चलिए काम पर लग जाइए। जी ये तो सर मुंडवाती ओले पड़ने वाला बात हो गया, लेकिन करिश्मा अगर नौकरी बचाना है तो ये करना ही पड़ेगा। मैडम सर के केस के साथ साथ ये मैनेज करना सीखना ही होगा अब हमें।